Now I would wish ki 12th or 13th problem dono kuch 11th jaise hi hain ek baar koshish kijiyega karne ki. Main third problem pehle solve karta. Let's solve third problem. A ball of mass m moving at a speed v. This is ball of mass m moving at a speed v. Makes head-on collision with identical ball at rest. The kinetic energy of ball after collision is 3/4 of the original value. Find the coefficient of restitution. कहा हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इस आधार पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है. दिस इनिशियल कंडीशन. अब मैं आफ्टर कोलिजन कंडीशन को ड्रॉ कर देता हूं. आफ्टर कोलिजन यह मास m कुछ v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा और दूसरा मास m v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है इनिशियल के, मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक कोलिजन है. ऐसी कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कुछ वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, वही डेटा बाइंड करके बतानी. नॉट अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, इट्स एन इजी प्रॉब्लम. सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करने वाली बात है बस. देखिए मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा. मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को तो कभी भी वायलेशन नहीं हो सकता. Whatever is initial momentum, the same would be the final momentum. Initial momentum is mv, iska momentum 0, iska mv1, mv2. Hence, v would be equal to v1 plus v2. Initial velocity is this. Ab, एनर्जी की जो कंडीशन दे रखी है इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. इनिशियल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इनिशियल एनर्जी इट्स 3/4 इज द फाइनल एनर्जी. इसका 3/4 कर दूं, दिस वुड बी द फाइनल एनर्जी. इट्स हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर. यह जो एनर्जी की कंडीशन उन्होंने दे रखी है, फाइनल एनर्जी 3/4 ऑफ इनिशियल. इस इक्वेशन में m थ्रू आउट कट जाएगा, हाफ थ्रू आउट कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 3/4 ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. We have got two variable v1 and v2 and we have got two equations. मैं इधर से v1 equal to v minus v2 लिखता हूं और इस v1 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 3/4 ऑफ v square equal to v minus v2 whole square plus v2 square. और इधर से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन v2 स्क्वायर में बना देता हूं. 2 v2 स्क्वायर माइनस 2v इंटू v2 माइनस 3/4 इंटू v स्क्वायर इक्वल टू 0.
quadratic equation in terms of V2. One can solve for V2. V2 is solution of quadratic equation 2V plus or minus under root of 4V square minus 4A into C 3/4 V square plus ho gaya upon 4. You can solve for V2. V2 की वैल्यू आ जाएगी, इधर से आपको V1 की वैल्यू आ जाएगी. फाइनल दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ गई. इनिशियल वेलोसिटी पता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिशन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एज पर फिगर इट्स V2 माइनस V1. Velocity of approach, it's V minus 0. Coefficient of restitution, calculate karke likh dijiye. Main 8th problem pehle karunga. 8th aur first. Ye dono abhi kar deta hu. बाकी क्या प्रॉब्लम्स को एक और बार अटेम्प्ट लगा लेना, एक लेक्चर और दूंगा. प्रॉब्लम इन अ गामा डीके प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास एम डिक्रीजेस. अ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी ई इन लीनियर मोमेंटम ई बाय सी इज एमिटेड आउट इन अ न्यूक्लियस रिकॉइल्स. फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. देखिए, एक न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट पर है, इसका गामा डीके होता है. गामा डी के मतलब यह है, गामा रेडिएशन एमिट करता है, एक गामा रेडिएशन एमिट करता है और उस गामा रेडिएशन की एनर्जी ई है और इसका मोमेंटम है ई बाय सी और इस गामा रेडिएशन के एमिट होने से न्यूक्लियस रिकॉइल होने लगता है. जो न्यूक्लियस मास एम का है ये रिकॉइल होने लगता है, रिकॉइल होने पर इसकी कुछ वेलोसिटी वी हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. अब सबसे पहले मैं कहता हूं, इनिशियली न्यूक्लियस रेस्ट पर था, इनिशियली मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए. फाइनली फोटॉन का मोमेंटम है प्लस फाइनली न्यूक्लियाई का मोमेंटम है. इस तरीके से इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम ई बाय सी प्लस एम वी और वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियाई वुड बी माइनस ई बाय एम सी. माइनस साइन सिंपली इंडिकेट्स कि फोटॉन इस तरह जा रहा है तो पार्टिकल इस तरफ जाएगा. ये तो रिकॉइल वेलोसिटी हुई. अब रिकॉइल होते समय न्यूक्लियाई के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई इज हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एन इंटू ई बाय एम सी होल स्क्वायर और E square by 2mc square. ये न्यूक्लियाई के पास एनर्जी आ गई. सिर्फ यही एनर्जी नहीं आई, फोटॉन भी कुछ एनर्जी लेकर चला गया E.
तो लॉस इन इंटरनल एनर्जी, लॉस इन इंटरनल एनर्जी, जो न्यूक्लियस के पास इंटरनल एनर्जी थी उसमें से ई एनर्जी तो फोटॉन लेकर चला गया और ई स्क्वायर बाय टू एम सी स्क्वायर, यह एनर्जी न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखने लगी। इतनी एनर्जी न्यूक्लियस की जो इंटरनल एनर्जी थी वह लॉस हो गई, वह कम हो गई और वह मैकेनिकल एनर्जी में और गामा रेडिएशन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दिस इज दैट एनर्जी दैट हैड कन्वर्टेड इनटू आइदर मैकेनिकल एनर्जी और the internal or the kinetic energy of the nuclei or energy of the gamma ray photon. अब मैं first वाला problem कर दूंगा। Consider a head-on collision between two particles of mass m1 and m2. Initial speed, mass m1 की initial speed है u1 और mass m2 की initial speed है u2. In the same direction, the collision starts at t equal to 0, particle interact for delta t time, and during the collision v1t, velocity of first particle is u1 plus t by delta t into v1 minus u1. So what is velocity of second particle ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम? बड़ा साधारण सा सवाल है। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के पहले, कोलिजन के दौरान, कोलिजन के बाद मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। और उससे हम कहेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1t प्लस m2 इंटू v2t of m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 into v1t ki jagah u1 plus t by delta t into v1 minus u1 plus m2 into v2t. m1 u1 कैंसिल होता हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा है और यह भी दिख रहा है। दिस बिकम्स m2 u2 इज इक्वल टू m1 t बाय डेल्टा t इंटू v1 माइनस u1 प्लस m2 इंटू v2t और v2t इज इक्वल टू u2 minus m1 by m2 into t by delta t into v1 minus u1. This is velocity of second particle as a function of time during collision. Collision के दौरान second particle की velocity as a function of time. Now I would wish इस sheet के remaining problems में खासकर 9th, 10th, 12th और 13th, इन सभी सवालों को एक बार थोरोली अटेम्प्ट लगाइए, कोशिश कीजिए करने की
इलेवेंथ प्रॉब्लम स्प्रिंग वाला एक प्रॉब्लम मैंने कराया है, 9, 10, 11, 12 ये चारों प्रॉब्लम वंस अगेन स्प्रिंग वाले सवाल ही है। एक बार दोबारा कोशिश कीजिए, शायद आपसे बन जाए। इसके साथ में 14th और 6th और बाकी के भी सवाल पर एक और बार अटेम्प्ट लगा लीजिएगा। मैं एक लेक्चर और दूंगा, उस एक लेक्चर में इस शीट के बाकी के सवाल डिस्कस कराऊंगा और 5th शीट भी स्टार्ट कर दूंगा। कीप ऑन अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम्स। डिस्कशन से पहले यदि आप अटेम्प्ट करके नहीं आते हो तो यह डिस्कशन की क्लास वेस्ट हो जाती है। लेट्स कंटिन्यू एंड फिनिश डिस्कसिंग शीट नंबर 4। शीट नंबर 4 डीपीएस 4 में जो डाउट्स बचे हुए हैं जरा लिखवा देंगे। डीपीएस 4 में डाउट्स लिखवा दो। 6th आफ्टर दैट क्या 12th प्रॉब्लम कर लिया है? फोर्टीन थर्टीन चलिए यह तीन प्रॉब्लम मैं डिस्कस कराता हूं। डीपीएस 4 ऑलरेडी मैं मेजर पोर्शन डिस्कस कर चुका था। हाँ, 5th और इन चार प्रॉब्लम के साथ डेफिनेटली यह शीट पूरी हो जानी चाहिए। स्टार्ट रीडिंग 6th प्रॉब्लम। टू फ्रेंड्स ए एंड बी। हाँ, 10th टू फ्रेंड्स ए एंड बी। फ्रेंड ए आर सिटिंग ऑन अ फ्रैक्शनलेस प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। यहां एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। दिस इज बी। 40 kg ईच। इसका भी 40 kg मास है और इसका भी 40 kg मास है। सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। ए रोल्स अ बॉल। ए के हाथ में बॉल है। This ball is having a mass of 4 kg. On a platform toward B, यह ball को B की तरफ roll करता है. Which B catches, then B rolls the ball toward A, and then A catches it. If the ball keeps on moving back and forth between A and B, the ball have got fixed speed of. यह ball fixed 5 m/s की speed से travel करती है. Find speed of A after A rolls ball for the first time. Find speed of A after he catches the ball for the first time. Speed of A and B after ball has made 5 round trips and is held by A. How many times A can roll the ball? Where is the center of mass of the system A and B? देखिए, पहले तुम सिचुएशन को समझे और उसमें लॉजिक को समझे। A जिसका मास 40 kg है एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है और इसके हाथ में बॉल है। बॉल का मास 4 kg है। इसके सामने D डिस्टेंस पर B है। B का मास भी 40 kg है, फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। अब A जिसके हाथ में बॉल 4 kg की है, यह बॉल को रोल करता है 5 m/s से और जब यह बॉल को रोल करेगा तो ए रिकॉइल होने लगेगा, पीछे की तरफ जाने लगेगा। यह बॉल जो ए ने रोल करी, यह बॉल बी कैच कर लेता है। बी जब उस बॉल को कैच करेगा तो उसके पास में बॉल का मोमेंटम आ जाएगा और बी बॉल के साथ में पीछे की तरफ जाने लगेगा। इसके बाद बी उस बॉल को फेंकता है और बी के द्वारा फेंकी गई बॉल को फिर ए कैच करता है। फिर ए इस बॉल को फेंकता है, बी कैच करता है, फिर बी बॉल को फेंकता है, फिर ए कैच करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते रहते हैं और हर बार बॉल 5 m/s से ही ट्रेवल करती है। 4 kg की बॉल है। अब एक बात जरा सोचिए, इनिशियली ए रेस्ट पर है बॉल के साथ। इनिशियली
बॉल के साथ जब ए रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ए ने बॉल को फेंक दिया, बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बॉल के पास में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया 4 kg × 5 मीटर पर सेकंड। बॉल के पास में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, इस वजह से ए के पास में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी 40 × V1। दिस इज इनिशियल टोटल मोमेंटम एंड दिस फाइनल टोटल मोमेंटम। V1 इज −20/40 और −1/2 meters per second। पहली बार बॉल को रोल करने पर ए के पास में यह वेलोसिटी आ जाएगी। अब एक बात जरा सोचिए, जब भी ए बॉल को इस तरफ फेंकेगा तब वह बॉल को 5×4 का मोमेंटम दे देगा। जब भी ए बॉल को इधर फेंकेगा तब बॉल को 20 kg/s का मोमेंटम इस डायरेक्शन में देगा। बॉल को इतना मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में देने से ए के पास में हमेशा नेगेटिव मोमेंटम 20 का आएगा, हमेशा जब भी ए बॉल को फेंकेगा। ए ने पहली बार जब बॉल को फेंका तो ए के पास −20 का मोमेंटम आया, इस वजह से ए की यह वेलोसिटी हो गई। अब जरा सोचिए, फेंकी गई बॉल बी कैच करेगा, बी जब भी बॉल को कैच करेगा तो बी के पास में कैच करते समय बॉल का 20×5 का मोमेंटम हमेशा आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम जब भी बी बॉल को कैच करेगा। और इस कैच करी हुई बॉल को फिर वापस जब 5 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा तो बॉल को निगेटिव मोमेंटम दे रहा है, तो वंस अगेन बी के पास पॉजिटिव मोमेंटम 20 का ही आ जाएगा। अब यह जो बॉल है, फेंकी गई बॉल फिर वापस जब ए कैच करेगा तो बॉल का मोमेंटम फिर वापस ए में ऐड हो जाएगा। ए जब बॉल को कैच करेगा तो वंस अगेन उसके पास में 20 × 4×5 का मोमेंटम ए के पास में नेगेटिव मोमेंटम ऐड होगा। अब जरा सोचिए, ए जब पहली बार बॉल को फेंका तो −20 का मोमेंटम ए के पास में आया, क्योंकि बॉल को उसने +20 का मोमेंटम दिया, 4 kg बॉल 5 मीटर पर सेकंड से फेंकी। बॉल को पॉजिटिव मोमेंटम 20 का देने से ए के पास नेगेटिव मोमेंटम 20 का आया। दोबारा बॉल ए के पास में जब आएगी, बी ने कैच करी, बी ने फिर फेंकी, बी के द्वारा फेंकी गई बॉल फिर वापस जब ए के पास में आएगी तो बॉल दोबारा लौट के आके 20 − 20 का मोमेंटम लेकर आ जाएगी। फेंकते समय ए के पास −20 का मोमेंटम, कैच करते समय ए के पास −20 का मोमेंटम। पहली बार बॉल को फेंक कर कैच करने से ए के पास टोटल इतना मोमेंटम आ गया। दिस वुड बी इक्वल टू 44 × V1 when a catches the ball for the first time। पहली बार फेंकने के बाद जब ए बॉल को कैच करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 10 मच मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ ए व्हेन ही रोल्स बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सी पार्ट इंटरेस्टिंग है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर बॉल हैड मेड 5 राउंड ट्रिप्स एंड इज हेल्ड बाय ए। देखिए, बॉल 5 बार राउंड ट्रिप कर ले, 5 बार ए फेंक दे और कैच कर ले और फाइनली बॉल ए के हाथ में हो, तब ए की कितनी वेलोसिटी होगी और बी की कितनी वेलोसिटी होगी। देखिए, एक बार बॉल को फेंकने पर ए के पास −20 का मोमेंटम आता है, एक
एक बार बॉल को कैच करने पर ए के पास फर्दर माइनस 20 का मोमेंटम आता है, ये हमने ऊपर भी लिखा। मतलब एक राउंड ट्रिप में बॉल जब एक राउंड ट्रिप लगा लेती है तो ए के पास इतना मोमेंटम आ जाता है, दूसरी राउंड ट्रिप लगा लेगी तो कितना मोमेंटम आ जाएगा इंटू टू, तीसरी राउंड ट्रिप लगा लेगी तो कितना मोमेंटम आ जाएगा इंटू थ्री, चार राउंड ट्रिप लगाने के बाद कितना मोमेंटम आ जाएगा इंटू फोर, और पांच राउंड ट्रिप लगाने के बाद ए के पास मोमेंटम आ जाएगा इंटू फाइव। बॉल को पहली बार फेंका कैच करा, दूसरी बार फेंका कैच करा, तीसरी बार फेंका कैच करा, चौथी बार फेंका कैच करा, पांचवी बार फेंका कैच करा, हर बार उसके पास इतना मोमेंटम आ रहा है, पांच बार फेंक कर कैच करने पर ए के पास इतना मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए एंड बॉल आफ्टर बॉल हैड मेड फाइव राउंड ट्रिप्स। इस वजह से ए की वेलोसिटी हो जाएगी वी ए फाइव, 44 इंटू वी ए फाइव। 44 इसलिए क्योंकि ए का मास 40 केजी है, बॉल का मास 4 केजी है, टोटल मास 44 हो गया। तो वी ए फाइव बिकम्स माइनस 40 इंटू फाइव बाय 44 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो ए की वेलोसिटी हुई, हमसे बी की वेलोसिटी भी पूछी है कि पांच राउंड ट्रिप करने के बाद बी की क्या वेलोसिटी होगी। अब देखिए, पहली बार जब बी बॉल को कैच करता है, पहली बार जब बी बॉल को कैच करता है तो उसके पास प्लस 20 का मोमेंटम आता है। पहली बार बॉल को कैच करने पर, क्योंकि बॉल 4 केजी की है, 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो बॉल पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आ रही है, पॉजिटिव 20 का मोमेंटम लेकर आ रही है, मास इनटू वेलोसिटी, और वो मोमेंटम पूरा बी में ऐड हो रहा है। बॉल जब वो कैच कर रहा है तो बॉल का पूरा मोमेंटम अपने पास ले ले रहा है। एक बार बी जब बॉल को कैच करता है तो प्लस 20 का मोमेंटम उसके पास में आ जाता है। फिर बी बॉल को फेंकता है, बी बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में फेंकता है, बी बॉल को नेगेटिव मोमेंटम देता है। तो जितना बॉल को नेगेटिव मोमेंटम दे रहा है उतना ही पॉजिटिव मोमेंटम वो अपने पास में ले लेगा बॉल से। बॉल को फेंकते समय बी प्लस 20 का मोमेंटम अपने पास ले भी लेता है, कैच करते समय इतना मोमेंटम लेता है और फेंकते समय इतना मोमेंटम लेता है। एक बार कैच करेगा और फिर एक बार फेंकेगा तो इतना मोमेंटम बी के पास में आ जाएगा। दो बार कैच करेगा और फेंकेगा तो उसके पास में इंटू टू मोमेंटम आ जाएगा, तीसरी बार कैच करेगा और फेंकेगा तो इंटू थ्री मोमेंटम हो जाएगा, चौथी बार कैच करेगा और फेंकेगा तो इंटू फोर मोमेंटम हो जाएगा, पांचवी बार कैच करेगा और फेंकेगा तो पांचवी बार कैच करने में और फिर फेंक देने में बी के पास कुल मिला के इतना मोमेंटम आ जाएगा। इतना मोमेंटम बी के पास में आ गया, दिस मस्ट बी मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। बी का मास, बी के हाथ में बॉल नहीं है, बी का मास 40 ही रहेगा, वी बी फाइव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इट्स फिफ्थ ट्रिप। बी की वेलोसिटी इस कंडीशन में होगी वी बी फाइव, दैट इज 40 इंटू फाइव बाय 40 और 5 मीटर्स पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यह बी की वेलोसिटी होगी आफ्टर बॉल हैड मेड 5 राउंड ट्रिप्स। अब उन्हें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स ए कैन रोल द बॉल, ए बॉल को कितनी बार रोल कर सकता है मैक्सिमम। अब देखिए, हम कहते हैं जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि हर बार ए बॉल को फेंकता है और कैच करता है, फेंकते समय भी ए की वेलोसिटी बढ़ रही है पीछे की तरफ और कैच करते समय भी ए की वेलोसिटी बढ़ रही है, हर बार ए अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है। फेंकने पर भी ए वेलोसिटी बढ़ा रहा है अपनी पीछे की तरफ और कैच करते समय भी पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ए की वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है।
वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब ए की वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। यदि ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गई, फिर ए बॉल को कैच ही नहीं कर पाएगा, और यदि वो कैच नहीं कर पाया तो फिर वापस कभी थ्रो भी नहीं कर पाएगा। बॉल को फेंकने पर ए के पास -20 का मोमेंटम आता है, बॉल को फेंकने पर पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंकने पर बॉल को पॉजिटिव मोमेंटम देने पर ए के पास -20 का मोमेंटम आता है। जितना बॉल को मोमेंटम दे रहा है उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। बॉल को कैच करने पर वंस अगेन ए के पास -20 का मोमेंटम आ जाता है। एक बार फेंकना और एक बार कैच करना, इतने में ए के पास इतना मोमेंटम आ जाता है। एन टाइम्स ए बॉल को फेंकता है और कैच करता है, एन टाइम्स ए बॉल को फेंकता है और कैच करता है। जैसे हमने 5 टाइम्स के लिए इनटू 5 करा तो हम कहते हैं एन टाइम्स यदि ए ने बॉल को फेंका और कैच कर लिया तो एन टाइम्स फेंक कर कैच करने में ए के पास इतना मोमेंटम आ जाता है। अब इसके बाद ए बॉल को फेंक देता है, एन टाइम्स फेंक कर कैच कर लिया, अब एन प्लस 1th टाइम वो बॉल को फेंक देता है, एन प्लस 1th टाइम जब वो बॉल को फेंक रहा है तो -20 का मोमेंटम उसमें और एड हो जा रहा है। इस तरह से एन टाइम्स बॉल को फेंक कर कैच करा और फिर एन प्लस 1th टाइम उसने बॉल को फेंक दिया, अब ए का इतना टोटल मोमेंटम हो जाएगा, ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतना मोमेंटम हुआ है, ए का मास है 40, तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी अपॉन टोटल मोमेंटम अपॉन 40। दिस इज द स्पीड ऑफ ए एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। यदि यह मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड 5 मीटर से ज्यादा हो जाए, यदि यह मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड 5 मीटर से ज्यादा हो जाए तो ए बॉल को कभी भी अब कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए की स्वयं की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी, बॉल 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो बॉल अब ए के पास में कभी आएगी ही नहीं, ए बॉल को कभी अब कैच नहीं कर पाएगा, इसलिए दोबारा फेंक नहीं पाएगा। हम इसे सॉल्व कर देते हैं, एन इंटू 40 प्लस 20 बाय 40 मस्ट बी ग्रेटर देन 5, माइनस साइन थ्रू आउट हटा दिया मैंने, तो एन प्लस 20 बाय 40 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वुड बी द आंसर। इधर से एन सॉल्व कर लीजिए, इधर से एन के लिए सॉल्व कर लीजिए, और एन प्लस 1 वुड बी द आंसर। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है 6 टाइम प्लीज, एन प्लस 1 वुड बी द आंसर। इसके बाद हमसे पूछा गया है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ nth ट्रिप। अब हम कहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द फिनोमेना, बॉल कितनी भी बार आगे पीछे गई हो मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा है ना। यदि हम ए बी और बॉल इसको सिंगल सिस्टम मान लें, यदि हम ए बी और बॉल इसको एक सिंगल सिस्टम मान लें तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कभी नहीं लगा है, इसलिए
सेंटर ऑफ मास कभी भी कहीं पर भी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होएगा। ओरिजिनली जहां पर सेंटर ऑफ मास है, एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा। पहली राउंड ट्रिप के बाद, दूसरी राउंड ट्रिप के बाद, तीसरी राउंड ट्रिप के बाद, या पहली राउंड ट्रिप के दौरान, या चौथी राउंड ट्रिप के दौरान, कभी भी किसी भी समय पर सेंटर ऑफ मास इनिशियली जहां है वहीं का वहीं रहना चाहिए। एनथ ट्रिप के बाद भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां इनिशियली था। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो थी, दैट इज मास ऑफ ए प्लस बॉल इंटू जीरो प्लस मास ऑफ बी इंटू डी अपॉन टोटल मास 44 प्लस 40। सेंटर ऑफ मास ए से इतनी दूरी पर रहेगा, इनिशियली भी ए से इतनी दूरी पर था, ए इज द रेफरेंस, और किसी भी समय पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक ही यही रहेगी। जो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन थी वही हमेशा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बनी रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को कभी भी मूव नहीं। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम। देयर इज द लॉजिक।